हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं, अगर आपके पास भी हीरो की पैड का फ़ोन है तो कैसे आप डिस्प्ले ब्राइटनेस को चेंज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हम यही सिखाएंगे। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन के बटन जरूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और किसी भी फ़ोन से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, व्हाट्सअप से रिलेटेड, इंस्टाग्राम से रिलेटेड, की पैड फ़ोन से रिलेटेड, एंड्रॉइड फ़ोन से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। नहीं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको सबसे टॉप में लेफ्ट साइड में जो बटन जो देखने को मिल जाता है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो है आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो अब जो है आपको इस वाले बटन पर 2 बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो है आपको बीच वाले बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो है आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाता है। उसके बाद जो है आपको इस वाले बटन पर 4 बार क्लिक करके स्क्रॉल नीचे कर लेना है। क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है डिस्प्ले सेटिंग्स। तो आपको इस पे बीच वाले बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो है आपको 3rd नंबर पर क्लिक करके आपको इस वाले बटन से स्क्रॉल कर लेना है नीचे। नीचे क्लिक करने के बाद जो है आपको इस वाले बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर सबसे टॉप में जो है ब्राइटनेस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर आप राइट के साइड आप जो है स्क्रॉल करते हैं तो आपको जो है ब्राइटनेस जो है तेज देखने को मिलेगा। अगर आप लेफ़्ट साइड में इस वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो आपको ब्राइटनेस जो है लाइट जो है कम देखने को मिलेगा। तो आप इसी तरह से ब्राइटनेस को चेंज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपने सीख लिया ब्राइटनेस कैसे चेंज करते हैं। और किसी भी फ़ोन से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, व्हाट्सअप से रिलेटेड, इंस्टाग्राम से रिलेटेड, कीपैड फ़ोन से रिलेटेड, एंड्रॉइड फ़ोन से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। नहीं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और हमारे वीडियो देखने के लिए शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन के बटन जरूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।